गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में रिवीजन क्लास इंटीजर का पार्ट नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे डिवीजन का टेबल कि टेबल जब दो डिवीजन जब दो इंटीजर आपस में उसे डिवाइड किया जाएगा एक दूसरे को तो ये कौन सा सिंबल होगा। तो ध्यान से देखिएगा, देखना है आपको कि एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है कैसे होगा। क्या आप कभी इस तरह से दिए डिवाइड, कितना मतलब डिवीजन होगा, 5 मतलब 3 5 15 आ रहा है ना। अगर यही आप नंबर इस तरह से लिखा होता तो क्या करेंगे, 3 5 15 यहाँ भी होगा, यहाँ भी हुआ, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर आप कुछ कहेंगे 5 by 1 और यहाँ कहेंगे 1 by 5, मतलब 1 by 5 को 5 नहीं लिख सकते आप, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 5। लेकिन 5 by 1 को 5 लिख सकते हैं क्योंकि नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है जो कि आप लोग को पहले ही पता है ना। तो चलिए मैं इस डिवीजन का टेबल जो है आप लोग को सामने बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे कंटिन्यू रखिएगा नजर अपना। तो ये है एक इंटीजर आपका पॉजिटिव में और उसे डिवाइड दिया जा रहा है दूसरे इंटीजर से, वो भी पॉजिटिव में है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों इंटीजर एक दूसरे को पूरी तरह से डिविजुअल हो जाए, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, है ना। तो देखेंगे 12 है, पहले 12 लेंगे और डिवाइड देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा, 6 मत में कट जाएगा, है ना, ऐसा हो गया। और देखेंगे 10 को 2 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या होगा, 5 मत में, और 28 को 2 से दीजिएगा 14 मत में। यहाँ तक क्लियर है, पूरी तरह से एग्जैक्टली पूरी क्या होगी, डिवाइड हो चुकी है। लेकिन आप आगे देखिए, 12 को क्या डिवाइड किया जा सकता है 5 से, 12 को डिवाइड किया जा सकता है 5 से, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। मैंने फ्रैक्शन के जब चैप्टर पढ़ाया था फ्रैक्शन के बारे में तो आप लोग को ऐसा बताए थे। तो ऐसा हो सकता है क्या, पूरी तरह से डिविजुअल होगा, नहीं होगा, तब आप क्या करेंगे, आप इसे 12 by 5 के रूप में ही रख दें, है ना। जब आप एडिशन बनाते हैं आता आपका आंसर 14 by 7, तब क्या करते हैं आप यहाँ पे कार देते हैं, है ना, डिवाइड दे देते हैं। लेकिन यही आंसर आपका 15 by 7 आता है तब क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर अगर 9 by 10 आ गया आंसर तब क्या करते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपका जो डिवाइड है इसे आपको क्या करना होगा, इसी तरह से करके छोड़ देना है। 5 2 10 यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिविजुअल हो गया, है ना। तो आगे देखते हैं क्या है, 5 को 28 से देंगे डिवाइड तो नहीं होगा, 28 को डिवाइड दिए 5 से तो क्या होगा, नहीं लगेगा, तो 5 नीचे रह जाएगा। और 14 से डिवाइड दिया जा रहा है 12 को, तो यहाँ भी नहीं होगा, मतलब इस तरह से रखना है। 14 को डिवाइड दिया जा रहा है, सॉरी 12 को डिवाइड दिया जा रहा है 14 से दिया जा रहा है किसको, 12 को, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है, अरे बात समझ में। मैंने क्या बोला था, वर्टिकल लाइन को पहले लिया जा रहा है और हॉरिजॉन्टल लाइन को बाद में, तो पहले वर्टिकल ऊपर और हॉरिजॉन्टल नीचे जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से 10 and 14 है तो यहाँ भी नहीं होगा, 10 and 14 पोजिशन से डिविजुअल नहीं होगा। तब आप क्या करेंगे, 5 by 7 इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 10 by 14 को 5 by 7 के रूप में आप लिख सकते हैं, एक रूप दे सकते हैं नया, है ना। तो आपका नेक्स्ट है 28 को 14 से डिविजिबल करेंगे, डिवाइड देंगे तो वो क्या हुआ, 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर आपको माइनस एंड प्लस का सिंबल यहाँ पर कोई देखना नहीं है क्योंकि दोनों डिजिट जो क्या है प्लस में है, ओके। तो अगला देखेंगे 6 2 12, ये तो आपका कमाल की बात है कि पूरी तरह से डिविजिबल हो चुकी है। और अगला है आपका 6 2 10 जो नहीं होगा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 5 by 3 का प्रयोग कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10 का हाफ 5, 6 का हाफ 3, ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में दूंगा। और 6 का 28 से दीजिएगा डिवाइड तो क्या हो जाएगा, 28 by 6, इस तरह को आप लिख सकते हैं 14 by 3, ऐसा लिख सकते हैं, क्यों ना, क्यों, क्योंकि 28 का हाफ 14 और 6 का हाफ 3। तो अगले देखते हैं, अगला है क्या, 14 ये 12 को डिवाइड देके 4 से, 4 3 12, यहाँ पर आपका क्या आया, 3, अरे बात समझिए। तो उसी प्रकार से 4 से डिवाइड देंगे 10 को जो कि नहीं होगा पूरी तरह से डिविजिबल, तो 10 by 4 उसे आप एक रूप दे सकते हैं 5 by
ओके। तो उसी प्रकार से आपको अगला देना है, फोर से डिविजिबल डिवाइड दीजिएगा 28 को, 4 7 जा 28, यहाँ पर क्या हो गया 7। तो इस प्रकार से आपका जो दो इंटीजर से डिवाइड था, माइनस प्लस की बात, यहाँ पर हमेशा क्या हुआ प्लस, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेकिन एक इंटीजर निगेटिव एंड एक इंटीजर पॉजिटिव है तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव ही होगा, है ना, जिस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन में था, एक इंटीजर निगेटिव और दूसरे पॉजिटिव है, हमेशा क्या होगा निगेटिव ही हो रहा था। तो 725 से अब डिवाइड देंगे, 25 को 7 से दिया जा रहा है डिवाइड, क्या ऐसा पॉसिबल है, हो सकता है डिवाइड 7 के टेबल में 25 को नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका रूप चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, तो अगले टर्म की ओर चलते हैं, 44 यहाँ भी नहीं हो रहा है, इस प्रकार से इसको भी उसे रख देंगे, और ये आपका तो कट गया भाई, 35 को 7 से 5 मत में, है ना, लेकिन आपको ये सिंबल जो है माइनस उसके साथ रखना ही है, माइनस नहीं गया कहीं, यही अगर माइनस नीचे भी रहता तो दोनों क्या हो जाता, कट जाता है ना, लेकिन माइनस तो नीचे है नहीं, तो यहाँ पर करेंगे माइनस 5 और माइनस 5 बाई 7, यहाँ पे ऐसा हुआ, अरे बात समझिए, उसी प्रकार से आप नीचे का प्रयोग कर सकते हैं, माइनस 20/25/9, माइनस 25/11, माइनस 25/10, यहाँ पे एक आप अलग रूप दे सकते हैं, 25 को क्या करना है, 5 जा 25, 25 जा 10, माइनस में ही, लेकिन है ना, 25/10 को माइनस 5/2 के रूप दे सकते हैं, इसी प्रकार से आप इसे आगे फिलअप करेंगे, है ना, मैं इसे आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये बहुत ही आसान है ना, जो नहीं डिवाइड हो रहा है, जो नहीं टेबल आ रहा है, आप उसे वैसा ही लिख दें, लेकिन आपको माइनस के साथ में लिखना होगा, जैसे मैं इसके साथ लिखता हूँ तो क्या करेंगे, 9 यहाँ आया, 5 इधर आया, माइनस 5/9, मैं इसको इससे लिख देता हूँ, माइनस 35/10, आप इसे एक अलग रूप में दे सकते हैं, 75 जा 35 और 25 जा 10, क्या चीज में, माइनस में, ऐसा दे सकते हैं। ओके, तो आप इसे इस तरह से आपको इसको क्या करना है, फिलअप करना है आपको, उसी प्रकार से यहाँ भी वही बात है, एक निगेटिव है और अगला पॉजिटिव है, तो क्या करना है, 7 3 जा 21, एक निगेटिव में है, अगला पॉजिटिव, तो क्या होगा, हमेशा निगेटिव। उसी प्रकार से ये 7 6 जा 42, ये भी निगेटिव है, और ये तो होगा ही नहीं भाई, ये होगा ही नहीं, क्या चीज में, माइनस में, तो माइनस कभी भी नीचे होता नहीं, उसे क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, 7/-11 ऐसा है, उसे आपको क्या लिखना है, -7/11, ये माइनस हमेशा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, है ना, और यहाँ भी डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, 10, क्या चीज में, माइनस में, देखिए क्यों ऊपर चला गया, अब देखिए 70 है और 7 है, माइनस तो नीचे होना चाहिए, लेकिन डिविजिबल डिवाइड करेंगे, जो डिविजिबल होगा 10 आएगा, और ये माइनस जाएगा कहाँ, माइनस तो नीचे रहा नहीं, एक है तो एक तो नीचे छुपा रहता है, जब छुपा रहेगा तो एक माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, अरे समझ में, क्यों माइनस ऊपर गया, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया, है ना, इसी प्रकार से आप नेक्स्ट टर्म को बता सकते हैं, बना सकते हैं, मैं इसको इसको कर देता हूँ, क्या करेंगे, 55/8, किसी में, माइनस में, माइनस हमेशा ऊपर की ओर देना आपको। ओके, तो आप आगे भी इसे बना सकते हैं, मैं इसे सोल्व करता हूँ, क्या कहता है, -4 और डिवाइड है -16, -16/-4, तो 4 को टेबल पढ़ेंगे, 16 कितना मार्क आता है, 4 से, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो कट गई, तो क्या चीज आ गया आंसर आपका, 4, क्यों आया ऐसा, माइनस है और डिवाइड किया जा रहा है माइनस से, तो उसका जो डिवीजन होगा आंसर आएगा हमेशा क्या चीज में होगा, पॉजिटिव की ओर होगा, है ना, माइनस माइनस तो क्या हो गया, कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, तो आप आगे भी कर सकते हैं, मैं अगले टर्म की ओर चलता हूँ, 5 को 12 से करेंगे, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, लेकिन 12/5 बचेगा, ये तो पूरी तरह से डिविजिबल है नहीं, है ना, और मैं 7 को 24 से करके दिखाता हूँ, तो 7 यहाँ है और 24 ऊपर जाएगा, तो माइनस माइनस फिर क्या होगा, इसमें सभी को माइनस कटेगा, जैसे यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर माइनस आपको नहीं देना है,
क्या करेंगे 24/7, उसी प्रकार से मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तो माइनस यहाँ भी कट जाएगा, तो क्या करेंगे 4, 3, 4 जा 12, माइनस माइनस खत्म। याद रखना है माइनस माइनस दोनों सेम है, तो यहाँ पे माइनस नहीं, प्लस प्लस यहाँ भी सेम था तो भी माइनस नहीं, हमेशा प्लस। लेकिन ये दोनों जो है एक माइनस एक प्लस है तब तो लेगा माइनस, ऐसा होता है ना। तो आपका इंटीजर रिवीजन क्लास समाप्त हुई, और ये मैंने जो बॉक्स आप छोड़ा है ये आप लोग के लिए है, आप इसे रिवीजन कीजिए, और रिवीजन का मतलब है आप इसे घर में बनाइए, है ना। इसी तरह से आप घर में बॉक्स बनाइए, कॉपी में बनाना है आपको, और उसे जो मन में आता है आपको नंबर, जो कि आप उसे सॉल्व कर सकें, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और यदि आप जो बॉक्स बनाते हैं और आपसे नहीं बन पाता है आप मुझे शेयर कीजिएगा, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो बना के आप लोग के पास शेयर कर देंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रिविजन क्लास का ही होगा, लेकिन कुछ एक फ्रैक्शन का होगा, फ्रैक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोर देन, लेस देन, ग्रेटर, स्मॉलेस्ट, ये सब दिखाने को होगा, है ना। तो वेट कीजिएगा, फ्रैक्शन का क्लास आप लोग के सामने जल्द आ रहा है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे।